10th, exercise 8.1, 4th sum. Given 15 cot A is equal to 8, find sin A and secant A. 15 cot A is equal to 8, 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके वो डिवाइड में हो जाएगा. कोट ए इज इक्वल टू 8/15. कोट का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर. इट मीन्स बेस है हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस की वैल्यू पुट करो और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करो तो हमारे पास सोल्व करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 17. फाइंड करना है हमने साइन ए. साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है हमारे पास 15 और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया 17, तो 15/17 हमारा आंसर है. सीकेंट ए, सीकेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 17 और बेस है हमारे पास 8, तो 17/8 हमारा क्या जाएगा आंसर. सम फिफ्थ, गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स हमने बाकी सारे फाइंड करने हैं, जैसे कोस, कोस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा एंड कोट थीटा. सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 है. सेकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13 और बेस है हमारे पास 12. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट की, बेस की वैल्यू पुट की, तो हम सॉल्व करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी. परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. साइन थीटा, अब हमने फाइंड करना है साइन थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 5 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13, तो साइन थीटा क्या आ गया? 5/13. कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 13, तो 12/13 हमारा आंसर. टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 और बेस है 12, तो ये टैन थीटा आ गया 5/12. कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है एच ओवर पी. कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. इसका रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 5, तो 13/5 हमारा आंसर है. कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर. कोट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर. बेस की वैल्यू है 12 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 5, तो कोट थीटा क्या आ गया? 12/5 हमारा आंसर है.